मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, उससे रिलेटेड फलन क्या होते हैं, उच्चिष्ट निम्निष्ट फलन क्या होते हैं, कब उच्चिष्ट निम्निष्ट फलन के लिए पर्याप्त प्रतिबंध और आवश्यक प्रतिबंध कैसे निकालते हैं, उस पर रिलेटेड थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रियाविधि क्या है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियाविधि देख लेते हैं कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट ज्ञात करने की क्रियाविधि की वर्किंग रूल यानी क्या होता है। सबसे पहला है दिए हुए फलन को एफ एक्स या वाई मान लेंगे। सेकंड है एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करके शून्य के बराबर रखेंगे तथा उसके समीकरण को एक्स के लिए हल करेंगे। माना जो हमारे पास उसके रूट्स प्राप्त हो रहे हैं वो ए वन ए टू अप टू सो ऑन है। थर्ड स्टेप है एफ डबल डैश एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। फोर्थ है एफ डबल डैश एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में क्रमशः जो हमारे रूट्स प्राप्त हुए हैं उनकी वैल्यू रखेंगे। फिफ्थ है यदि एफ डबल डैश ए आर या एक्स इक्वल टू ए आर पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जहां आर इक्वल टू वन टू अप टू सो वन का मान ऋणात्मक है तो एक्स इक्वल टू ए आर पर एफ एक्स या वाई का उच्चिष्ट मान होगा। यदि एफ डबल डैश ए आर या एक्स इक्वल टू ए आर पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जहां आर इक्वल टू वन टू अप टू सो ऑन का मान धनात्मक है पॉजिटिव है तो हमारा जो फलन का मान है एक्स इक्वल टू ए आर पर वो मान निम्निष्ट होगा। यदि एफ डैश ए आर बराबर जीरो या एक्स इक्वल टू ए आर पर डी टू वाई बाई सॉरी एफ डबल डैश ए आर बराबर जीरो या एक्स इक्वल टू ए आर पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो तो एफ एक्स या वाई का आगे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको। यदि एक्स इक्वल टू ए आर जहां एक्स इक्वल टू वन टू अप टू सो ऑन के लिए एफ एन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो या डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन नॉट इक्वल टू जीरो हो तब फर्स्ट है हमारा यदि एन एक विषम संख्या है तो एफ एक्स या वाई का कोई चरम मान नहीं होगा और यदि एन एक विषम संख्या है तो एफ एक्स या वाई का मान उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट कब होगा जब हमारा एफ एन ए आर है वो नेगेटिव हो और निम्निष्ट होगा जब हमारा यदि एफ एन ए आर जो है यानी डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है वो पॉजिटिव हो। तो हमारा वर्किंग रूल था, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पहला उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई का मान उच्चतम या न्यूनतम है। हमें नहीं पता है उच्चतम है या न्यूनतम है। सॉल्व करने के लिए हम ले लेंगे, हमें फलन दे रखा मान लेंगे। सबसे पहला स्टेप तो हमारा मान लेंगे फलन एफ एक्स वाई जो है हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री ए एक्स वाई है। सबसे पहले इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाला तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए वाई। थ्री कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई जिसको हमको बराबर जीरो रखना है, इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल एफ अपॉन डेल वाई जो हमारा हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स बराबर थ्री वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर जीरो। इसे समीकरण दो नाम दे देंगे। नेक्स्ट समीकरण एक से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बराबर जीरो है तो वाई बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए को समीकरण दो में रखने पर दो में रख देते हैं हम। दो है हमारे पास थ्री वाई की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स बराबर जीरो। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा एक्स फोर माइनस ए क्यूब एक्स बराबर जीरो और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो एक्स इंटू एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर जीरो आ जाएगा। चूंकि एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या ए होगी तब हमारा जो वाई है वो भी या तो जीरो होगा या ए होगा। यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं समीकरण में तब हमारे एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वाई भी जीरो आएगा और एक्स इक्वल टू ए रखेंगे तो वाई भी बराबर ए आ रहा है। तो अतः हमारे पास बिंदु हो जाएंगे पॉइंट्स हो गए जीरो कॉमा जीरो और ए कॉमा ए स्तब्ध बिंदु है। अब इस पर हमने डेल टू एफ
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे जो कि 6x आएगा, डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाला वो 6y आया, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर निकाला तो -3a आया। एक हमारी कंडीशन होती है कि हम जब उसके निकालते हैं पॉइंट्स निकालते हैं तो हमारी कंडीशन होती है कि डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर यदि ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है और a इज लेस देन जीरो है तो फंक्शन जो है उच्चिष्ट होगा, और यदि ये ग्रेटर देन जीरो है और a भी ग्रेटर देन जीरो है, a यहाँ पर है हमारा a बराबर हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जैसे हम लिख ले डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है तब हमारा निम्नस्ट होगा, और यदि डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर यदि हमारा लेस देन जीरो है तो हमारा सेडल पॉइंट आ जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो बिंदु है जीरो जीरो पर यदि हम निकालें इसकी वैल्यू डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर तो ये हमारी निकलती है जीरो माइनस माइनस ऑफ थ्री ए का होल स्क्वायर यानी माइनस नाइन ए स्क्वायर लेस देन जीरो है, यानी जीरो जीरो पर चरम बिंदु नहीं होंगे। और यदि ए पर निकालें बिंदु ए कॉमा ए पर निकालें ए पर तो इसकी जो वैल्यू है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर तब हमारी वैल्यू आती है 6a इंटू 6a इसकी वैल्यू रखी माइनस माइनस ऑफ 3a का होल स्क्वायर यानी हमारे पास आता 27a स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन जीरो है और a बराबर हमारा क्या है सॉरी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या है 6a यानी पॉजिटिव है। तो जो a पॉइंट पर है हमारे पास यदि हमारे पास स्मॉल a लेस देन जीरो है तब फलन जो है वो उच्चिष्ट होगा या अधिकतम होगा और ए इज ग्रेटर देन जीरो है तब फलन हो जाएगा हमारा निम्नस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, एक सिंपल क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू वन पर हमारी एक्स फाइव माइनस फाइव एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस टेन का मान जो है उच्चिष्ट मान है तथा एक्स इक्वल टू थ्री पर निम्निष्ट तथा एक्स इक्वल टू जीरो पर ना तो निम्निष्ट है ना उच्चिष्ट है ना उच्चिष्ट तथा ना निम्निष्ट है। तो सॉल्व करने के लिए हम ले लेते हैं, हमें फंक्शन दिया इसको हमने सबसे पहला स्टेप है कि मान लीजिए एफ एक्स बराबर तो फंक्शन दे रखा है एक्स में दे रखा हमको एक ही वेरिएबल है इसके अंदर एक्स रेज टू फाइव माइनस फाइव एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस टेन एफ डैश एक्स हमने निकाला तो हमारे पास आ जाएगा फाइव एक्स रेज टू पावर फोर माइनस ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस पंद्रह एक्स स्क्वायर बराबर इसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास आ जाएगा पंद्रह एक्स स्क्वायर और ये बन जाएंगे ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन का समीकरण एक नाम दे दिया। अब डबल डैश एक्स हमने निकाला तो आ जाएगा हमारे पास अंचुक बीस एक्स क्यूब माइनस साठ एक्स स्क्वायर प्लस तीस एक्स ये हो जाएगा टेन एक्स दो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री समीकरण दो नाम दे दिया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हमें हमारा स्टेप है कि एव डैश एक्स बराबर जीरो रखना है तो इसको जीरो पर बराबर रखा यानी हमने रखा फाइव एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस वन बराबर जीरो
तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और 3। ऑलराइट, अब x इक्वल टू 1 पर हम निकालेंगे f डबल डैश x, जो वैल्यू हमारी आ रही है, यहाँ हमने वैल्यू रखी है f डबल डैश x में x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ आ जाएगा 10 × 1, आ जाएगा 2 × 1 − 6 × 1 + 3। तो सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आ गया 10 × 2 = 5 − 1, यानी −10, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अतः हम लिख लेंगे कि x इक्वल टू 1 पर fx का जो मान है वो उच्चिष्ट है। यही दिखा लिया करना था हमें, x इक्वल टू 1 पर इसका मान उच्चिष्ट है। अब x इक्वल टू 3 पर निकाला हमें, x इक्वल टू 3 पर f डबल डैश x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 10 × 3, 2 × 9 − 6 × 3 + 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 × 18 − 18 + 3, ये हो जाएगा 90, जो कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अतः हम लिख लेंगे कि x इक्वल टू 3 पर जो है वो f डबल डैश x बराबर 0 है। इट मीन्स x इक्वल टू 3 पर f डबल डैश x 90 है, यानी पॉजिटिव है, तो एफ एक्स जो है हमारा निम्निष्ट है। नेक्स्ट हम x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर हम यदि वैल्यू निकालते हैं तो चूंकि f डबल डैश x सब में x है, तो ये f डबल डैश x जो है वो 0 वैल्यू आएगी। 0 वैल्यू आएगी तो हमारा स्टेप कहता है कि हमें वापस से डिफ्रेंशिएट करना है, तो f ट्रिपल डैश x हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 60x² − 120x + 30, और इस पर वैल्यू x इक्वल टू 0 पर निकाली तो f ट्रिपल डैश x जो है वो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ वैल्यू रखी 30 निकलेगी पॉजिटिव, तो इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ऐसे बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हमें इसकी वर्किंग रूल दे रखा है उस पे बेस्ड उसी की तरह क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हमें y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू या x कॉमा y, दो वेरिएबल में तो एफ एक्स कॉमा y इक्वल टू मानना है। फिर हमें सबसे पहले फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, सेकंड डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, यदि दो टू वेरिएबल के लिए है तो उसको दोनों को बराबर 0 रखना है, एफ डैश एक्स बराबर 0 और एफ डैश वाई बराबर 0 रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसके जो रूट्स हैं वो निकालेंगे, मान लीजिए जो भी 3 रूट्स आते हैं 2 रूट्स आते हैं, फिर हम सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे। सेकंड डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें जो रूट्स हमें प्राप्त हैं उसमें रूट्स की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे। पुट करने पर यदि हमारे एफ डबल डैश एक्स या एफ डबल डैश वाई की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो हमारा जो फलन है वो उच्चिष्ट होगा, और यदि पॉजिटिव आती है तो फलन निम्निष्ट होगा, और यदि इक्वल टू 0 आती है तो हमारा उसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ जाती। तो ये हमारा वर्किंग रूल था, इस बेस्ड हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।